जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ समय पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, जिसे कुछ विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण एवं स्थिति कोई भी रही हो, सरकार का गिरना लगभग तय था। इसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भारतीय संविधान का मान रखते हुए एवं लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दी गई व्यवस्था अनुसार अपने पद का परित्याग करते हुए लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा। इस पर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नैतिकता के उच्च मापदंड को मानते हुए 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था एवं अपने शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों को बताया एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस्तीफे को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है। तीसरा हमारे कार्यकर्ता साथी हरेक के हाथ में तिरंगा होगा, हजारों की संख्या में जुटे निकलेंगे और उसके बाद में अंत में हम हमारे नेता साथी स्थानीय है वो बोलन देंगे, भाषण देंगे। किस तरीके की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था आज? आज हमने 20 मार्च को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था और मध्य प्रदेश में हमारी जो चुनी हुई सरकार थी उस सरकार को धन बल के आधार पर उस सरकार को के लोगों को मंत्री पद का निगम मंडल के अध्यक्षों का लालच देकर और पैसे से खरीद कर सरकार हमारी गिराई गई। भारतीय जनता पार्टी का यह जो कृत्य है पूरी तरह असंवैधानिक रहा है, क्योंकि संविधान में किसी भी सरकार को बनाने के लिए जनता की राय जरूरी होती है और जिसको जनता का समर्थन प्राप्त होता है वो सरकार बनती है। हमारी सरकार बनी, उस सरकार को जिस तरह गिराया गया प्रदेश की जनता सब जानती है। तो हम संविधान का सम्मान करते हुए 20 मार्च को पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, देखिए ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कि इकट्ठे 25-27 लोग खरीद लिया जाए और सरकार बनी जाए। इस तरह कोई बड़ा उद्योगपति आएगा, बिना चुनाव लड़े सबको पैसा देगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो असली बात वो ये है कि ये आज न केवल मध्य प्रदेश में हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कि सारे देश में किस तरह लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या की जा रही है, किस तरह अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। येन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हो गया सारे देश में कि कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को हराओ और अपनी सरकार बनाओ। 20 तारीख को सर ये जो अपना प्रदर्शन है इसमें कहाँ कहाँ से लोग हैं? सब स्थानीय लोग, हर जिले में स्थानीय लोग रहेंगे तिरंगा यात्रा में, हर जगह। धन्यवाद। वहीं हमने कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे लोकतंत्र सम्मान दिवस के बारे में बीजेपी प्रवक्ता राज अग्रवाल जी से बात की एवं सवाल किया कि श्री कमलनाथ जी के इस्तीफे को लोकतंत्र का सम्मान माने या बीजेपी को करारा जवाब। देखिए बिल्कुल लोकतंत्र का सम्मान का दिन था, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, लोक भावना से। वो लोकलाज और लोक भावना यही थी कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार हटे, तो लोकतंत्र का सम्मान का दिन था। कांग्रेस की सरकार हटी, भाजपा की सरकार आई और लोकतंत्र उनके अंदर नहीं था, इसलिए उनके लोग उनसे टूटे रूठे छूटे और वहाँ त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। तो लोकतंत्र का सम्मान तो उस दिन हुआ था, कांग्रेस को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाना ही चाहिए। नहीं, बीजेपी के लिए क्या जवाब है? ये तो लोकतंत्र का सम्मान उस दिन उनके विधायकों ने किया था जो लोकतंत्र कुचला जा रहा था कांग्रेस में, तो लोकतंत्र का सम्मान है। तब उन्होंने चुटकी ली और बड़ी सफाई से कहा कि उस दिन का लोकतंत्र का सम्मान ही तो हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाडा न्यूज़, भोपाल।